हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली मर्तबा 1952 में इंडिया के टूर पर गई थी। इस टूर का पहला मैच दिल्ली में 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 1952 तक खेला गया था। इस मैच में इंडिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 372 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंडिया की तरफ से हेमू अधिकारी ने 81 रन की इनिंग्स खेली थी, जबकि विजय हजारे ने 76 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से आमिर इलाही ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 150 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से विकेटकीपर हनीफ मोहम्मद ने 51 रन की इनिंग्स खेली थी। इंडिया की तरफ से विनू मानकड़ ने 47 ओवर्स में 52 रन देकर 8 खिलाड़ियों को आउट किया था और इस तरह पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 152 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के कप्तान अब्दुल कारदार ने 43 रन की इनिंग्स खेली थी। इंडिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए विनू मानकड़ ने 24 ओवर में 79 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, जबकि गुलाम अहमद ने 23 ओवर्स में 35 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। और यूं इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 1 इनिंग्स और 70 रन से जीत लिया था। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच लखनऊ में 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक खेला गया था। इस मैच में इंडिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 106 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंडिया की तरफ से पंकज रॉय ने 30 रन की इनिंग्स खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हुसैन ने 23 ओवर्स में 35 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, जबकि फजल महमूद ने 24.1 ओवर्स में 52 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। इंडिया के 106 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 331 रन बनाकर आउट हो गई थी और यूं पाकिस्तान को इंडिया की पहली इनिंग्स पर 225 रन की सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान की तरफ से नजर मोहम्मद ने 124 रन की इनिंग्स खेली। इंडिया की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर्स शाह नियाल चंद और गुलाम अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया था। इंडिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 182 रन बनाकर आउट हो गई। इंडिया की तरफ से उनके कप्तान लाला अमरनाथ ने 61 रन की इनिंग्स खेली और आउट नहीं हुए। बॉलिंग में पाकिस्तान की तरफ से फजल महमूद ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। यूं पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच 43 रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच ब्रबून में 13 नवंबर से 16 नवंबर तक खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से वकार हसन ने 81 रन की इनिंग्स खेली थी। इंडिया की तरफ से लाला अमरनाथ ने 4 जबकि विनू मानकड़ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान के 186 रन के जवाब में इंडिया ने 387 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इंडिया की तरफ से विजय हजारे ने 146 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली, जबकि पोली उमरेगार ने 102 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 242 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हनीफ मोहम्मद ने 96 जबकि वकार हसन ने 65 रन की इनिंग्स खेली। इंडिया की तरफ से विनू मानकड़ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। सुभाष गुप्ता ने 33.2 ओवर्स में 77 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया की टीम को मैच जीतने के लिए 42 रन का टारगेट मिला, जो उन्होंने बगैर किसी नुकसान के पूरा किया और यूं इंडिया ने ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। अब इंडिया को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल हो चुकी थी। इस सीरीज का चौथा टेस्ट मैच चेन्नई में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 344 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल कारदार ने 79 रन की इनिंग्स खेली, जबकि जुल्फिकार अहमद ने 63 रन बनाए। इंडिया की तरफ से दत्तू पटकार, रमेश दिवेचा और विनू मानकड़ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया था। चौथे दिन जब मैच खत्म हुआ तो इंडिया की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 175 रन बनाए थे और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पोली उमरेगार ने 62 रन की इनिंग्स खेली और यूं ये मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मैच ईडन गार्डन्स में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से नजर मोहम्मद ने 55, हनीफ मोहम्मद ने 56, इम्तियाज अहमद ने 57 रन की इनिंग्स खेली। इंडिया की तरफ से पटकार ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया।
जवाब में इंडिया की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 397 रन बनाकर आउट हो गई। इंडिया की तरफ से दीपक शुधान ने 110 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हुसैन ने 3 जबकि फजल महमूद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 276 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान की तरफ से वकार हसन ने 97 रन की इनिंग्स खेली। इंडिया की तरफ से गुलाम अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि विनू मनखट और रामचंद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। यू इंडिया की टीम को ये मैच जीतने के लिए 97 रन का टारगेट मिला लेकिन इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के 28 रन बनाए और यू ये मैच भी बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पहला टेस्ट सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीत लिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।